आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। नेपाल के लोगों की सांसें थमी हुई हैं, ना केवल नेपाल के लोगों की बल्कि क्रिकेट के हर एक खिलाड़ी की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आज जितना बड़ा मुकाबला है शायद उससे पहले नेपाल ने इतना बड़ा मुकाबला नहीं खेला था, और इसी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग विशेष कर रहे हैं, किस तरह से नेपाल की टीम का मोटिवेशन बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से ये मुकाबला जीतना है हमें, किस तरह से हमारे हौसले बुलंद रखने हैं। यहाँ वो क्राउड नहीं होगा जो आपने पहले देखा था, यहाँ उतनी सी भीड़ नहीं होगी जिसमें आपने पहले मैच जीता था, आपके सामने वैसी टीमें नहीं होंगी जो पूरे ओवर खेलने से पहले ही ढेर हो जाएं। ये बहुत सी बातें हैं इस वीडियो में करने लायक, और यही बातें यहाँ पे करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी बात तो ये है कि नेपाल की टीम उस ग्रुप के अंदर है जिसके अंदर दुनिया की टॉप नंबर वन टीम है और दुनिया की टॉप थ्री टीम है, यानी कि नेपाल को एशिया कप में उन टीमों से भिड़ना है जो कि सबसे बड़ी टॉप टीम है, और नेपाल अगर जीता तो इतिहास बना देगा, और अगर नेपाल हार गया तो कम से कम सबक जरूर ले लेगा, कम से कम ये दिमाग में जरूर रहेगा कि हम उन टीमों से हारे हैं कि जो दुनिया की सबसे टॉप टीम है, हम ऐसी वैसी टीमों से नहीं हारे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि आज यहां पे 3:15 बजे मुल्तान स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान वर्सेस नेपाल की टीम आमने सामने होंगी, जिसमें पाकिस्तान रैंकिंग के मामले में अब एक नंबर पर खड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक नंबर की टीम के साथ न्यूकमर्स भिड़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेपाल मुल्तान को फतेह कर लेता है उसी की जमीन के अंदर, तो इससे बड़ी बात फिर कुछ नहीं हो सकती। इसमें दो बड़ी बातें हैं, एक तो आपने उसी के ग्राउंड के अंदर उन्हीं की टीम को हराया, दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया की एक नंबर रैंकिंग वाली टीम को आपने हराया। आप टक्कर भी देते हैं तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अगर आप हरा देते हैं उस टीम को तो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हर कोई आज विशेष दे रहा है नेपाल की टीम को, बिकॉज नेपाल के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्राउड का सामना नहीं किया है इतने बड़े क्राउड का, क्योंकि आज जो क्राउड होने वाला है, मैं कहूं कि नेपाल की भी बहुत सारी ऑडियंस आज इस ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होगी, और अगर नेपाल की ऑडियंस जरा सी कम भी रही तो पाकिस्तान की जो आवाम है, जो ऑडियंस है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। यानी कि एशिया कप के इस मैदान के अंदर, मुल्तान के इस मैदान के अंदर जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा होगा, और जो यहां पे हुटिंग है वो इतनी जोर से होगी कि दिल धड़कने लगेगा, सांसें रुकने लगेगी, और इसके साथ साथ आपकी नब्ज भी कहीं ना कहीं जवाब दे देगी, क्योंकि आप पहली बार खेल रहे हैं, एक बहुत बड़ा फियर आपके सामने होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डटकर खेलना है, आपको जुझारूपंथी दिखानी है। आपके कैप्टन से मैं कहना चाहूंगा कि नेपाल का कैप्टन अगर डर गया तो समझ लेना कि पूरी टीम ही धराशायी हो गई। कैप्टन को सबसे ज्यादा जोर रखना होगा इस बात पर कि वो कभी भी ऐसा फील ना होने दे अपनी टीम को कि वो डर गया है, वो कभी भी ऐसा फील नहीं होने दे कि वो पहले से ही हार मान चुका है, क्योंकि जब तक कप्तान हार नहीं मानेगा, जब तक पूरी टीम हार नहीं मानेगी और पूरी टीम उसके साथ खड़ी होकर लड़ती रहेगी, और कप्तान का ये यहां पे दायित्व भी बनता है कि वो अपनी टीम को संभाले रखे। दोस्तों, आज एक एक क्षण कहीं ना कहीं नेपाल की टीम के लिए बहुत बड़ा क्षण होने वाला है, और मुझे जहां तक अंदाजा है, जहां तक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वहां तक मेरा आइडिया है कि शायद कल की रात जो थी उसमें नेपाल का एक भी प्लेयर नहीं सोया, सोना बनता था लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि उनके सामने मुकाम बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा मुकाम अगर पहली बार आए तो नींद आना पॉसिबल है ही नहीं। तो
उनको नींद जब ही आएगी जब ये मैच कंप्लीट होगा, और उस मैच के अंदर अगर जीत जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की टीम पूरे एशिया कप के अंदर नहीं सोने वाली है। दोस्तों क्या आपको भी यही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।